सोच के आपको व्हाट्सएप एक प्रॉब्लम आ रही है कि कोई भी अगर आपको मैसेज करता है उसके बाद मैसेज तो आपको आ जाता है लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि किसने आपको मैसेज किया या फिर मैसेज आया ही है, आया भी है या फिर नहीं आया है। और साथ ही साथ आपको ये भी पता नहीं चलता है कि किसी ने मैसेज किया है या फिर नहीं किया है। और आप जब भी व्हाट्सएप खोलते हो तभी आपको पता चलता है, बिना व्हाट्सएप खोले आपको पता ही नहीं चलता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल के लिए सब्सक्राइब और वीडियो को लिए लाइक। सो गाइस इसके लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो व्हाट्सएप है वो आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन कर लेते हैं उसके बाद आपको करने के थ्री डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको सेटिंग्स में चले जाना है। जैसे आप लोग सेटिंग्स पर आ जाते हो उसके बाद आपको करने के यहाँ से आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ये जो नोटिफिकेशन है इसको आपको ऑन कर देना है। ये जो यहाँ पे मैंने ऑन कर रखे ये सारे आपको ऑन करने होंगे। अगर आपने इनको ऑफ कर रखा है तो उसके बाद जो नोटिफिकेशन है वो आपको नहीं आता है, तो इन सबको आपको ऑन कर देना है जो भी मैंने यहाँ से ऑन कर रखे। और जैसे इनको ऑन कर देते हैं उसके बाद आपको होम स्क्रीन पर आना है और फिर से आपको क्या है कि बाहर से क्लिक करके रखना है और यहाँ से ऐप इन्फो पर आ जाना है। आने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ से आपको इसका जो भी नोटिफिकेशन है इनको आपको इनेबल कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑफ कर रखे, जैसे मैं इनको ऑन कर दूंगा उसके बाद जो भी नोटिफिकेशन है वो आने लग जाएंगे और हमें पता चलने लग जाएगा कि यहाँ पर किसने हमको मैसेज किया, किसने हमको कॉल किया, तो सारी चीज़ें यहाँ से पता चल जाएंगे। तो इनको आपको ऑन कर लेना है, उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक और चेक कर देना।